स्वदेशी अपनों को बहुत ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। तो अभी भाई आते ही सुंदर भाई को कॉल करते हैं और दया भाभी के माँ को मिल के आते हैं, जीव दया बहन को। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू पंकज भाटी व्लॉग चैनल्स। तो कैसे आप लोग, होप करता हूँ बहुत ही खा पी कर तंदुरुस्त हो। सो लास्ट वीक व्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा ट्रैवलिंग में मैं बिजी था, घर गया फिर रिटर्न आया, सो व्लॉग करने नहीं मिला। सो अभी ये वीक से व्लॉग रेगुलर आएंगे, होप सो। सो आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद, मेरे मामा जी वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे और भी बहुत कुछ प्लेसेस है, तो दो तीन दिन में जितने कवर होगे वो अपन कवर करेंगे। अरे पहले अपन सब यहाँ का काम वाम निपटा लेते हैं, फिर शाम को नहीं मीन्स एक बार काम ख़त्म हो जाए फिर अपन निकलेंगे अहमदाबाद के लिए। और अहमदाबाद के लिए मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोल डाला था कि वहाँ पे कौन से प्लेस है विज़िट करने के लिए, तो बहुत सारे लोकेशन सजेस्ट किए आपने। सो देखते उसमें से कौन से कवर रहते, लेकिन एक उसमें से बहुत सही था, वो था टप्पू की माँ दया का घर। तो भाई वो सब टीवी वालों को अभी तक नहीं मिला है, लेकिन अपने को कहाँ से मिलेगा। लेकिन करते हैं अपन सुंदर भाई को जुगाड़ कर, कॉल करके जुगाड़ करेंगे, कुछ होता है तो फिर उनसे भी मिल के आएंगे। वैसे भी दया की माँ अभी तक दिखाई नहीं है, सो अपन रिवील कर देंगे उसे, देखते हैं अगर मिल गई तो जीव दया बहन। और चलो फिर चलते अपन। ये हम लोग का कार है, अभी इसमें हम लोग जाएंगे सूरत स्टेशन। ये पहुंच गए अपन सूरत स्टेशन। अभी सूरत स्टेशन से देखते हैं अभी ट्रेन कहाँ पे है, अपना कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। फिर बहुत स्वदेशी अपनों को बहुत ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है, इसलिए लास्ट टाइम नेस्कैफे पिए थे, ये बार अमूल का पी रहा है जो कि इंडियन है, और नेस्कैफे पता ही है तुम्हें स्विट्जरलैंड का है। तो कुछ ज़्यादा ही स्वदेशी हो गए अपन मोदी जी के राज में आके। चलो पीते हैं, तब तक ट्रेन आना, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और ये आ गई अपनी वाली ट्रेन। सो फाइनली आफ्टर 1 आवर वेटिंग। भाई जल्दी ले, जल्दी साइड में ले, साइड में ले, साइड में ले, जल्दी जल्दी साइड में ले भाई। अहमदाबाद पहुंच गया मैं, बट बीच में ब्लॉक नहीं बनाया, वो मैं आपको ऑटो से उतर के बता दूँ। और वैसे भी यहाँ पे लाइट कम है तो दिख नहीं पा रहा, क्लियर नहीं आ रहा वीडियो। सो मैं ऑटो से उतर के आपको बताता हूँ कि ब्लॉक बीच में क्यों नहीं शुरू, ठीक है। चलो हाँ, तो मैं अभी घर पे आ गया, मेरे मामा के घर पे। सो वीडियो व्लॉग इसलिए मैंने शूट नहीं किया क्योंकि ना ट्रेन के यहाँ पे जब मैं वीडियो निकाल रहा था तब ब्राइटनेस कम था, तो मुझे दिखा नहीं क्या हो रहा है करके, जस्ट मैं कैमरा ओपन करके रिकॉर्ड कर रहा था एंड दैट्स इट। तो मैं जब ट्रेन में बैठा देन कैमरा ऑन किया, मैं सोचा कि पहले रियर वाला लेते, मीन्स बाहर का लोकेशन हो गया, मीन्स बाहर का जो व्यू है वो सब। तो जैसे कैमरा ऑन किया ना, तो जैसे वो करण अर्जुन मूवी में पता है उनको याद आता है और तब वो दिखाते कैसा ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा एकदम विंटेज टाइप कुछ, तो ऐसा तो वैसा मेरे स्क्रीन में दिख रहा था, मीन्स आगे वाली चीज़ क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो मेरी पूरी फट गई थी क्योंकि अब भी फ़ोन लिया है
और उसका भी ये हालत हो गया, कैमरा खराब हो गया जिसके लिए लिया है, तो फिर वो काम ही नहीं हो पाएगा। और मेरी 2 दिन पहले मम्मी से बात हुई थी कि मम्मी नया फ़ोन लेना है करके, तो भी पता है मम्मी का, फ़ोन लेना या लेना नहीं, लिया तो नहीं है बट गालियाँ फुकट की सुन ली, और क्यों नहीं लेना चाहिए वो ताने भी वो सुन लिए। हाँ, तो इसके बाद हुआ ऐसा कि फ़ोन तो हो गया, मीन्स मैंने रिस्टार्ट वगैरह करके ठीक कर दिया। और सेकंड थिंग ये थी कि मैंने ये टाइम स्लीपर कोच बुक किया था जो नॉर्मल था। हाँ, वैसे एसी में आने जाने की आदत है ना, क्या मतलब पैसों की कमी है, पैसा बहुत है अपने पास लेकिन कभी कभार घूम लेना चाहिए। सो हम लोग, मैं नॉर्मल इसमें आया तो इतनी चिल्लम चाली थी, ना ही आवाज़ आ रहा था, ना ट्रेन का इतना आवाज़, और लोग इतने नुस्ते आ जा मीन्स बोलते ना आ रहे जा रहे, तो कुछ करने ही नहीं मिला। तो फाइनली अहमदाबाद पहुंच गया, और अभी देखते 2 दिन में क्या क्या होता है, क्योंकि प्लान तो मैं बहुत करके आया बट उसके अकॉर्डिंग होता है या नहीं होता है। और हुआ तो बहुत ही बढ़िया है, आपको नए व्लॉग मिलेंगे और मुझे इन्जॉयमेंट मिलेगा, सो देखते हैं अभी। और सेकेंड थिंग ये है कि अभी बजे है कुछ, मैं 10 बजे के आसपास पहुंचा, सबको मिला, और ऊपर क्योंकि ये पार्ट शूट करना बहुत इम्पोर्टेंट था और जिसके लिए मैं ऊपर आके अकेला बैठा और अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अभी 2 दिन के इसमें, जैसे मैंने पहले बोला था कि कुछ लोकेशंस घूमने, तो उसमें बहुत सारे सजेशंस आए हुए थे। तो अभी भाई आते ही सुंदर भाई को कॉल करते और दया भाभी के माँ को मिल के आते हैं, जीव दया बहन को वो उनको मिलने के बाद फिर देखते हैं अभी कौन सा लोकेशन फाइनल होता है। बट कल तो है एक फंक्शन है, वहाँ पे जाना है, और शायद से RRR मूवी भी आया है तो वो भी देखने जाएंगे, उसका रिव्यू वगैरह जो रहेगा वो करेंगे। तो देखते हैं अभी और कौन से लोकेशन होते हैं, लेकिन सुंदर भाई से सेटिंग करेंगे अपन और ज़रूर मिलेंगे उनसे, क्योंकि और जल्दी बोलेंगे उनको सब टीवी। तो क्या अभी अभी के एपिसोड तो पूरे रल्ले हो गए हैं, कुछ काम के ही नहीं है, बट क्या पता लोग कैसे देख रहे हैं। ओल्ड इज गोल्ड था और बहुत ही मज़ा आता था, तो फिर देखते हैं अभी, मिलना हुआ तो मिलेंगे, नहीं हुआ तो फिर है ही है, चल ही रहे अपन। और अपने 900 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने आए हैं, मीन्स ऑलमोस्ट कुछ 10 या 12 बचे, बट बहुत जल्द 1000 होने वाले हैं। सो मज़ा आएगा, थोड़ा एक अच्छा लगेगा, 1000 लोग, हाँ 1000 लोग। सो देखते हैं फिर, अभी हम लोग जा रहे हैं मानक चौक, तुम्हें जिसे पता भी है या नहीं पता मुझे नहीं पता, बट मानक चौक जाना है। जैसे कि मुंबई वालों का खाऊ गली वैसा यहाँ का मानक चौक है, जो ओपन होता है शाम को 9 बजे। तो अगर हम वहाँ जाने का बात तो हुआ है, भाई नहाने गए वो आते ही मैं नहाने जाऊँगा, तो मानक चौक का फिक्स तो हुआ है जाने का। तो अगर वहाँ पे हम लोग गए तो नया व्लॉग देखने मिलेगा, और अगर नहीं गए तो समझ लेना, अगर नया व्लॉग नहीं आया तो समझ लेना नहीं गए थे, तो फिर यही कहीं घूम कर खा पी कर आ जाएंगे। अगर हम लोग जाते हैं तो नए व्लॉग में वो जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, और ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।